विश्व कप 2019 सचिन तेंदुलकर ने बताया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चार टीमों के नाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आईसीसी विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल में कौन सी टीम पहुंच सकती है, इसको लेकर हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी उन चार टीमों के नाम उजागर किए हैं जो सेमीफाइनल में पहुंचने की दावेदार है। हालांकि उन्होंने चौथी टीम का नाम पूरी तरह से नहीं बताया है। उनके अनुसार न्यूजीलैंड या पाकिस्तान वो चौथी टीम हो सकती है जो सेमीफाइनल खेलेगी। ये टीम पहुंच सकती है सेमीफाइनल में। वनडे में 49 और टेस्ट में 51 शतक लगाने वाले इस महान क्रिकेटर ने मीडिया को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय है। चौथी टीम न्यूजीलैंड या पाकिस्तान में से एक हो सकती है। मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर ने की बात को ध्यान में रखा जाए तो पाएंगे कि मेजबान इंग्लैंड और टीम इंडिया की सेमीफाइनल में पहुंचने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दोनों टीमों का वनडे क्रिकेट का प्रदर्शन शानदार रहा है। इस नंबर पर खेलना चाहिए धोनी को। विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी किस नंबर पर आकर खेलेंगे, ये भी एक सवाल है। रोहित शर्मा ने हाल ही में सुझाव दिया था कि धोनी नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस पर सचिन ने कहा, मेरी निजी राय है कि धोनी को नंबर 5 पर ही बल्लेबाजी करनी चाहिए। मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि भारत का टीम कॉम्बिनेशन कैसा होगा, लेकिन अगर शिखर और रोहित के साथ पारी की शुरुआत करते हैं और विराट नंबर 3 पर आते हैं तो नंबर 4 पर कोई भी खिलाड़ी आए, लेकिन धोनी को नंबर 5 पर ही बल्लेबाजी करने के लिए उतारना चाहिए। गेम को अंत तक ले जाने का मिलेगा फायदा। सचिन ने कहा कि धोनी के नंबर 5 पर आने से टीम को काफी फायदा होगा। वो गेम को अंत तक ले जा सकते हैं और हार्दिक पांड्या के साथ आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं। विश्व कप की तैयारी के लिए भारतीय टीम ने नंबर 4 के लिए अंबाइती रायडू, ऋषभ पंत, विजय शंकर एवं दिनेश कार्तिक को आजमाया था। इनमें से विजय शंकर को नंबर 4 के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया और उन्हें विश्व कप टीम में जगह दी गई। दिनेश कार्तिक को टीम में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर चुना गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।